कि जैसे हम तीर्थ क्षेत्रों पर जाते हैं, कहीं भी मंदिरों में जाते हैं, तो वहां पर यक्ष यक्षिणी की प्रतिमा होती है, तो हमें जिनेंद्र देव के दर्शन के साथ साथ उनके दर्शन करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? देखो, एक चौकीदार होता है, ये भगवानों के वैभव कहलाते हैं। जैसे आपका राष्ट्रपति मंत्री जी आते हैं, उनके साथ चौकीदार होते हैं, रखवाल, जिसे आप बॉडीगार्ड भी कहते हैं, तो ये सब दरबान कहलाते, चौकीदार कहलाते। इनकी विनय करने के लिए नहीं जाया जाता, बल्कि ये तुम्हारी विनय करते। आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होता है तो उनके दरवाजे बल्लम लेके यूं खड़े रहते हैं। जब आप लोग जाते हो तो बल्लम अलग करके आपको प्रणाम करते हैं। उनको आपको दर्शन नहीं करना है, आपको प्रणाम नहीं करना, वे आपको प्रणाम करेंगे, करते हैं क्योंकि वे दरबान हैं, वे चौकीदार हैं। उनका काम मात्र आए हुए भक्तों को वेलकम करना, भगवान के दरबार में आए हुए लोगों को स्वागत करना। उसके लिए जैन दर्शन के अनुसार जितने भी यक्ष यक्षिणियों की स्थापना ही है, वो एक वैभव के रूप में, एक दरबान के रूप में भगवान के भक्तों को वेलकम करने के लिए किया गया है। तुम्हें उनका वेलकम नहीं करना, वे तुम्हारा वेलकम करते हैं, क्योंकि वो असंयमी है और असंयमी वंदना के दर्शन के योग्य नहीं होता। हाँ, वो जिनको है वो भगवान के पास, जैसे अपने पास कोई पुलिस वाले होते हैं, तो पुलिस वाले को सीधा बुलाओगे तो क्या आ जाएगा? नहीं आएगा। और थाने में एसपी के पास एप्लीकेशन लगाएंगे तो आएगा वो? इसी प्रकार ये भगवान के चौकीदार हैं, भगवान के पुलिस वाले हैं। तो अपन भगवान के दर्शन भक्ति करो, ये अपने आप तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। इनकी ना दर्शन करना है ना वंदना करना है, क्योंकि ये असैनी हैं। चौकीदारों को चाय कौन पिलाता है? जिसकी बॉस तक पहुंच नहीं होती वो कहता चौकीदार साहब, और जिसकी डायरेक्ट पहुंच हो उसको चौकीदार से नहीं पूछना, बल्कि चौकीदार वेलकम करेगा, अरे साहब आपकी तो डायरेक्ट पहुंच है। तो तुम्हारी तो जिनेंद्र तक डायरेक्ट पहुंच है, इनका वेलकम नहीं करना, ये तुम्हारा वेलकम करते हैं, इसलिए इनके दर्शन के योग्य नहीं। ये मां दरवान है, चौकीदार हैं, ये कोई भगवान नहीं है, क्योंकि असैनी है। जैसे आप एक संसारी ग्रस्त हैं, ऐसे ये भी ग्रस्त हैं, मात इनके पास थोड़ी शक्ति ज्यादा होती है, बाकी ग्रस्तों से ज्यादा नहीं होते।